हेलो दोस्तों, मैं हूं किशोर और आपका स्वागत है आज के किस्सा में। चलिए आज हम सुनते हैं जेरेमी लाल नेरुंगा की पूरी कहानी। लेकिन क्या आपको पता है, केवल मीराबाई चानू ही नहीं, भारत की एक और वेटलिफ्टर अब गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाएंगे। जेरेमी लाल नेरुंगा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को गोल्ड पदक दिलाया है। 19 वर्षीय वेटलिफ्टर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाला अब लोगों के बीच काफी चर्चा में है। लोग इनके बारे में और भी अधिक जानना चाहते हैं। जेरेमी लाल नेरुंगा का जन्म 26 अक्टूबर 2002 को भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल में हुआ। वर्तमान में इनके उम्र सिर्फ 19 साल की है। जेरेमी लाल नेरुंगा के पिता का नाम मेथुआ है, जो कि 90 के दशक में जाने माने बॉक्सर थे। वह स्टेट और नेशनल लेवल पर बॉक्सिंग में मेडल जीत चुके थे, लेकिन बाद में अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी करनी पड़ी और इनके परिवार में 8 सदस्य हैं। जेरेमी लाल नेरुंगा का अपने 5 भाइयों में से तीसरा स्थान है। जेरेमी लाल नेरुंगा के कोच ने बताया कि जब वह 9 साल की उम्र में था, उन्हें जेरेमी लाल नेरुंगा को पहली बार देखा था। तब वह उसकी फुर्ती देख इतनी प्रभावित हुए थे और उनको उसी समय लग गया था कि इस लड़के में कुछ खास और आने वाले समय में बहुत बड़ा कर सकता है। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में जेरेमी लाल नेरुंगा पिता के मुक्केबाजी से प्रेरित होकर इन्होंने बॉक्सिंग में अपना करियर बनाने का सपना देखा था। इसके बाद इन्होंने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेनी भी शुरू कर दी थी, लेकिन बाद में इनका झुकाव वेट लिफ्टिंग में हो गया। ये बताते हैं कि उनका वेट लिफ्टिंग की तरफ झुकाव अपने घर के पास एक जिम में लड़कों को वजन उठाते देखकर हुआ था। अब मुझे वेट लिफ्टिंग में अपना हाथ आजमाना चाहिए था, तब मैंने जिम में अपना लड़कों से संपर्क किया और मैंने उनसे पूछा कि क्या वे मुझे वजन उठाना सिखा सकते हैं। तब मैंने इसे करना शुरू किया और इसे वजन उठाना ही जारी रखा। जेरेमी लाल नेरुंगा ने बताया कि शुरुआत में अपने गांव की एक अकादमिक में अपने वेट लिफ्टिंग करियर की शुरुआत की थी। वहां कोच मुझे बांस लाने के लिए कहा करते और धीरे धीरे उसे उठाने के लिए कहा करते थे। वह बांस 5 मीटर लंबे और 20 mm चौड़े हुआ करते थे। उनमें कोई भार नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि वजन उठाने की तुलना में एक स्टिक उठाना बहुत ही कठिन था, क्योंकि इससे आपको यह जानना होगा कि आप इसे कैसे संतुलित कर सकते हैं। फिर हम दिन रात अभ्यास करते रहे और वहां से बांस की छड़ें उठाकर संतुलन बनाने की कला सीख ली थी। तो कुछ इस प्रकार जेरेमी लाल नेरुंगा ने अपने वेटलिफ्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उनके कोच का कहना है कि उनका शरीर भी काफी लचीला था। वह जेरेमी शारीरिक कसरत ही नहीं बल्कि मानसिक कसरत करने में भी काफी माहिर है। 31 जुलाई 2022 को रविवार को हुए वेटलिफ्टिंग की 67 किलोग्राम कैटेगरी मुकाबले में जेरेमी ने स्नेच में 140 और क्लीन एंड जर्क में 160 किलोग्राम का भार उठाया। इस तरह उन्होंने कुल 300 किलोग्राम का भार उठाया व गोल्ड मेडल अपने नाम भी कर लिया। इतने में ही आज की किस्सा को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ नए किस्सों के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जोहार।